तो बेकार ही बदनाम है। आओ कभी उत्तर प्रदेश, रंगबाजी क्या होती हम तुम्हें बताते हैं। न गुंडई पे गाना बनाते हैं, न गाड़ी जाट गुज्जर लिखाते हैं, हमारे यहाँ पाँच पाँच साल के कट्टा चलाते हैं। नमस्कार। सोशल मीडिया के इस दौर में इंस्टाग्राम रील्स छाई हुई है। हर दूसरा शख्स वक्त निकालकर या तो रील्स बना रहा है या फिर उन्हें देखने में अपना वक्त बिता रहा है। इंस्टा रील्स को लेकर लोगों में पागलपन साफ देखा जा सकता है। आप अपने आसपास के पार्क में निकल जाइए, किसी मॉल में चले जाइए या फिर किसी अच्छी लोकेशन वाले इलाके में आप पहुंच जाइए, आपको कोई ना कोई रील बनाता हुआ दिख ही जाएगा। हालांकि ये रील बनाना एक महिला सिपाही को भारी पड़ जाए। मामला इतना बढ़ गया कि एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। पूरा मामला ताजनगरी आगरा का बताया जा रहा है। यहाँ की एक महिला सिपाही प्रियंका मिश्रा ने हाथ में रिवॉल्वर लेकर एक इंस्टाग्राम रील बनाई। इस वीडियो के बैकग्राउंड में ऑडियो सुनाई दे रहा है, जिसमें हरियाणा पंजाब की तुलना रंगबाजी के मामले में यूपी से की जा रही है। प्रियंका लिपसिंग करते हुए कह रही है, हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश, रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं। इस ऑडियो के साथ महिला सिपाही की एक्टिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लगभग 22 सेकंड का ये वीडियो है, जिसमें महिला सिपाही पूरे समय सिर्फ रिवॉल्वर दिखाते हुए ही नजर आ रहे हैं। आप भी पहले ये पूरा वीडियो देखिए। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश, रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं। न गुंडई पे गाना बनाते हैं, न गाड़ी जाट गुज्जर लिखाते हैं, हमारे यहाँ पाँच पाँच साल के कट्टा चलाते हैं। तो देखा आपने कैसे महिला सिपाही दबंगों की तरह इस वीडियो में एक्ट कर रही है। लेकिन ऐसा करना इस सिपाही को भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद लोग महिला की आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। मामला तूल पकड़ गया और सीधा आला अधिकारियों तक पहुंच गया। एसएसपी आगरा मुनिराज ने महिला सिपाही को न सिर्फ लाइन हाजिर किया बल्कि मामले की जांच के आदेश दे दिए। सर, ये जो महिला सिपाही है जिसका वीडियो वायरल हुआ, उसको कुछ कार्रवाई की आपने, क्या कार्रवाई की? उसका पुलिस से रिपोर्ट लेकर तुरंत, उसका जो संज्ञान में तुरंत लाइन हाजिर कर दिया। उसका अभी जांच करवा रहा हूँ, सीओ मैडम से जांच कर रिपोर्ट लेकर उसका दोषी के आधार पर उनके डिपार्टमेंट इंक्वायरी करके उसकी कार्रवाई करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले दिनों में महिला सिपाही पर पूरी तरह से गाज गिर सकती है, उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया जा सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है वर्दी पहने महिला पुलिसकर्मी को इस तरह का वीडियो नहीं बनाना चाहिए था? जो भी आपका कहना हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।